रूपा जी, एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो अब इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है, तो यानी कि वो आने वाले सोमवार से जो पाम तेल का जो निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था उसको हटा देगा। रूपा जी, अगर वहाँ से एक्सपोर्ट पर बैन हटता है तो इंडिया में इंपोर्ट अच्छे से हो पाएगा, तो क्या ऐसे में खाद्य तेलों की जो कीमतें इस समय लगातार तेजी से बढ़ रही हैं उस पर कुछ कमी आता आप आती नजर आएगी, या फिर जो प्राइसेस हैं वो लगातार ऐसी बढ़ते हुए नजर आएंगे अभी भी? देखिए, गिरावट बन सकती है, नो डाउट। जिस तरीके का सिनेरियो बना रहे हैं उसके चलते हो सकता है कि प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट जो है उस चीज को नहीं देख रहा। अभी तो लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद फिर से खाद्य तेल की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडोनेशिया से एक बार जो है इंडोनेशिया से फिर से एक्सपोर्ट हो सकता है, तो वहां से हो सकता है कि थोड़ा सा कीमतों को एक बार ईजो पाता हुआ दिखाई दे, तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में देखने को मिल सकता है जी।